हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सैंडी ट्रेंडी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी एक सीरीज चला रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको गूगल गो ऐप्स के बारे में बताता हूँ, और इस सीरीज में ऑलरेडी मैंने कवर किया है गूगल गो के बारे में, इवन यूट्यूब गो और मैप्स गो के बारे में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। और यहाँ पे हमारे पास अगला एप्लीकेशन है, वो है आपका फाइल्स गो। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने आपकी फाइल्स गो क्या है, आप इसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे आई कार्ड में, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं फाइल्स गो के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए सैंडी ट्रेंडी को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए। दोस्तों, ये फाइल्स गो जो है ये गूगल का ही एक एप्लीकेशन है जिसे तैयार किया गया है एंड्रॉयड गो प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे जो है जितने भी गो एप्लीकेशन है, मतलब कि छोटे वर्जन है ओरिजिनल एप्लीकेशन के, तो उन्हीं के बेसिस पे फाइल गो को भी यहाँ पे डिजाइन किया गया है। और ये काफी ज्यादा यूजफुल ऐप है आपके मोबाइल में, जब भी आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा जंक डेटा हो जाता है या फिर बहुत सारे अनयूज ऐप्स जो है आप बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे होते, या फिर अगर आपके फोन में मेमोरी भी कम होती है, तब ये एप्लीकेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आपको एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और उसके अलावा जो आप इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा आप इसे किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप जाइए आप प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे जस्ट सर्च कीजिए फाइल्स गो, और यहाँ पे आपको पहला ही एप्लीकेशन जो है वो दिख जाएगा फाइल्स गो नाम से, और इसका डेवलपर जो है वो गूगल LLC ही होता है, वो है सिर्फ और सिर्फ 4.4 MB का ही। तो ये बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है और आपके मोबाइल में स्टोरेज भी कम लेता है और इवन आपका रैम भी बहुत कम यूज़ करता है ये एप्लीकेशन। और ये इंस्टॉल होने लगता है तो आप उसके अलावा यहाँ पे अगर इसका बीटा वर्जन भी चाहते हैं तो आपको आना होगा नीचे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ पे बीटा वर्जन के लिए एज अ टेस्टर ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको करना होगा आई एम इन। करने के बाद में यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे आप ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रिजॉइन का क्लिक करता हूँ, इसमें आपको इस तरह का पॉपअप आएगा जब भी आप आई एम इन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आप इसे जो है एज अ बीटा टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट जो है इस एप्लीकेशन के मिल जाएंगे। अब चलिए हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो आप यहाँ पे इसे ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे आएगा पॉपअप, आप यहाँ पे कर दीजिए इसे कंटिन्यू। और मेरा जो फ़ोन है वो है Xiaomi का Mi A1, और इसमें है स्टोरेज 64 GB का, तो इसमें से ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे जितने भी एक्सेस इसमें पूछेंगे तो अगर आप उसे दे देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेस दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी दोस्तों कि जब भी आप इसमें फाइल ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे के सारे एक्सेस जो है वो देने पड़ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसके क्या क्या फीचर्स हैं और आप इसे जो है किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जो कि काफ़ी सिंपल है, और यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है कि कुछ इस तरीके के आर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप मीडिया का यहाँ पे कार्ड देखने को मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग मीडिया का भी आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा, इवन फाइंड अनयूज्ड ऐप्स का भी आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा। तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कौन से एप्लीकेशन जो लास्ट 30 डेज में यूज़ नहीं किए हैं, और वो अगर आपके लिए यूजफुल ना हो या फिर अगर आप उसे यूज़ ना करना चाहें उसे काफ़ी ईजिली यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको टेम्प्रेरी फाइल भी मिल जाता है, जैसे कि आपका टेम्प फाइल जो होता है वो आप यहाँ पे क्लियर अप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐप जो है आपके मोबाइल में क्लियर कैशे करने का भी एक तरीका आपको यहाँ पे दिखाता है। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप जितने भी टाइप्स के यहाँ पे फाइल हैं, जैसे कि आपका टेम्प्रेरी ऐप फाइल है, यहाँ पे एक क्लियर कैशे का काम करता है। तो यहाँ पे आपके जो भी मोबाइल में कैशे वगैरह जनरेट होते हैं जितने भी एप्लीकेशंस के थ्रू, वो सभी आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, बाद में वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि कैशे क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे कमेंट डाउन में लिख सकते हैं यूजिंग #AskST, और वहाँ पे आप लिख दीजिए कि कैशे क्या होता है, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और हमें क्या क्या फीचर्स जो है मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ये सारे कार्ड जो आपको बताते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के फाइल हैं, और उनको अगर आप फ्री अप करना चाहें तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर नीचे सबसे देखते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से एक है स्टोरेज और दूसरा है फाइल्स। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज के अंदर में इस तरीके के कार्ड जो है देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप यहाँ पे जाते हैं फाइल्स के अंदर में तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे डाउनलोड्स और ऐप्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपका ऐप्स है, इमेजेस हैं या वीडियो हैं, ऑडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह जो है आप दूसरे मोबाइल में भेज सकते हैं, और ये जो है आपका यूज़ करेगा ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट कनेक्शन। तो यहाँ पे आप जो है इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी कि आपके दूसरे डिवाइस में भी जो है ये एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि है आपका फाइल्स गो, तो वो हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक ऑप्शन
मिलता है जो कि है आपका यहाँ पे फाइल सर्च का, और यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई है कि किस किस तरीके की फाइल जो आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे, जैसे कि आपका ऑडियो हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, इवन लार्ज फाइल्स भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको नाम पता है। फ्रॉम दिस वीक में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डाउनलोड किए हैं या फिर आपने फोटोज वगैरह खींचे हैं, इवन आपके व्हाट्सएप पे जो भी आया है, और अगर आपने फेसबुक से कुछ डाउनलोड वगैरह किया है, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप इमेजेस जो है हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट्सएप इमेजेस, तो ये इमेजेस में आपको इस तरीके मिल जाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, और वो है आपका यहाँ पे सेंड एंड रिसीव का। तो यहाँ पे जो भी डेटा आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, उसमें किसी भी तरीके का आपका इंटरनेट यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिक्योर्ड हॉटस्पॉट यूज़ होगा। उसके अलावा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करती हैं। तो जैसे कि अगर आप ये देखिए दूसरे डिवाइस भी है हमारे पास में, अब उसमें भी हम फाइल्स को खोल लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन, इमेजेस या फिर वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी भेजना है, तो अगर आप कोई भी यहाँ पे फाइल सेंड करना चाहते हैं डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कि आपका डाउनलोड्स में होगा या फिर ऐप्स होगा या फिर इमेजेस या फिर वीडियोस, ऑडियोस या डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे आप अगर सेंड करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जैसे कि हम इस डिवाइस से इस डिवाइस में भेजेंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट सेंड पे, और सेंड पे जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के पॉपअप आएगा, फाइल्स गो नीड्स परमिशन टू फाइंड योर फ्रेंड्स एंड सेट अ फास्ट हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे जो है आप इसे कर दीजिए नेक्स्ट, और उसके बाद में यहाँ पे आपको देना होगा सारे तरीके के एक्सेस, अगर आप इन्हें नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे आपको मॉडिफाई करने का भी जो ऑप्शन होता है उसे करना होगा एनेबल, और जैसे ही आप यहाँ पे एनेबल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का या फिर कहा जाए तो अपने डिवाइस का नाम लिखने के लिए आएगा, तो आप यहाँ पे सिंगल सिंगल लेटर ही टाइप कर पाएंगे, आप यहाँ पे एक साथ स्वाइप करके यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे मैं स्वाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल लेटर में ही नाम लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट। और सिमिलर दूसरे डिवाइस में आपको करना होगा यहाँ पे रिसीव, जहाँ पे इस तरीके का जो है आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट बन जाएगा, जैसे कि इसका जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर यूजेस अ सिक्योर्ड हॉटस्पॉट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डिवाइस से इस डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं कुछ भी चीज़ें, ऐप्स हो गया, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ पे कोई थर्ड डिवाइस पे आप इसे सेंड नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई थर्ड डिवाइस जो है इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो उसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, अनटिल अनलेस वो बहुत ही अच्छा हैकर हो। तो फिलहाल ये चलिए अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं इस नाम को, और ये देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे दोनों को कनेक्शन का जो एक कोड आता है वो यहाँ पे कोड को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे अगर हमें कनेक्ट करना है तो हमें करना होगा इसे कनेक्ट पे क्लिक, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या भेजना चाहते हैं, डाउनलोड्स का कोई फाइल या फिर इमेजेस या फिर वीडियोस या फिर आपका ऑडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम भेजेंगे स्नैपचैट एप्लीकेशन को जो कि है 29.61 MB का, तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं सेलेक्ट और ऊपर में कर देते हैं यहाँ पे क्लिक सेंड पे। तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी, तो इस तरीके से जो यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट होता है, और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब 2 सेकंड में लगा और यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जैसे कोई बड़ा एप्लीकेशन है जो कि हो गया हमारा, जैसे कि कैम स्कैनर हो गया, तो ये देखिए कितना फास्ट यहाँ पे जाता है। कैम स्कैनर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टैप सेंड पे, और ये देखिए मतलब कि ऑलमोस्ट 4.5 to 5 MBPS का स्पीड से ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे डेटा। और अगर आपको यहाँ पे कनेक्शन डिसकनेक्ट करना है सारी चीज़ें होने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक बैक पे क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं टेक कैंसिल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप बैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डिसकनेक्ट करने का। तो आप जैसे यहाँ पे डिसकनेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों डिवाइस जो है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो सिक्योर्ड कनेक्शन है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों कि आपको अपने मोबाइल में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कार्ड्स वगैरह बन के आते हैं, इवन आपको ऊपर के नोटिफिकेशन में कभी कभी वो कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जब इस मोबाइल को लगेगा कि आपके फ़ोन का स्टोरेज बहुत कम हो गया है या फिर इसमें जो कैसे फाइल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर जनरेट हो चुके हैं और उन्हें जो है क्लियर करने की जरूरत है, और अगर लगे बहुत सारे ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनयूज्ड हैं, तो अगर आप उन्हें क्लियर आउट करना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये एप्लीकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, और मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि ये सिर्फ 4 MB का है। और अगर हम यहाँ पे देखें रैम यूसेज इसका, तो आपको दिखाता हूँ कि इसका जो रैम है वो कितना यूज़ होता है यहाँ पे। ये देखिए फाइल्स गो जो है वो आपका रैम ले रहा है करीब 19 MB का। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लाइट वेटेड कहा जाए तो रैम क्लीनर, इवन ऐप्स क्लीनर, मतलब जो आपको बहुत सारे क्लीनर आपके लिए अवेलेबल होते हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में, तो उन सभी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लाइट है और काफ़ी
ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐड फ्री है, मतलब कि इसमें आपको किसी भी तरह के ब्लोटवेयर नहीं मिलता, आपको इसमें आपको एड्स वगैरह नहीं दिखेंगे, और उसी वजह से जो आपके मोबाइल में किसी तरह के हैंगिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप कैशे क्लियर करने के लिए और इवन अनयूज्ड ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए और अपने डिवाइस में स्टोरेज को भी क्लीन अप करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका जेंडर और शेयर इट की तरह काम भी करता है कि आप इसमें फाइल भी शेयर कर सकते हैं। आप का बनाया गया है एंड्रॉयड वन प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ पे इस एप्लीकेशन को जो है जनरली तैयार किया गया है लाइट वर्जन या फिर फीचर फोन्स या फिर कहा जाए तो लो मेमोरी और लो रैम वाले मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो अगर आपके पास में है कोई भी लाइट रैम या फिर और लाइट स्टोरेज वाला डिवाइस तो आप इसे जो है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इस फाइल्स गो के बारे में, और फ्यूचर में आपके लिए मैं और भी एप्लीकेशन के रिव्यूज वगैरह लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि फाइल्स गो क्या है और ये बाकी रैम क्लीनर या फिर जितने भी ब्लॉटवेयर्स वगैरह होते हैं क्लीनर के नाम पे उनसे कितना ज़्यादा अच्छा है और ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको आई है तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें और इस तरीके और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो कुछ नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।